खत्म हुआ किसान सम्मान निधि का इंतजार, सरकार किस दिन खातों में डालेगी पैसा, तारीख का किया ऐलान, साल 2023 में पहली बार मिलेगा किसानों को सम्मान निधि का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी 13वीं किश्त 24 फरवरी को जारी कर सकते हैं। इस योजना को 4 साल पहले 2019 में लॉन्च किया गया था। पीएम किसान कार्यक्रम की 12वीं किश्त पिछले साल 13 अक्टूबर को जारी करी गई थी। तब करीब 80 मिलियन किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी करे गए थे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कब और कैसे जांच करें कि पैसे आपके खाते में आए या नहीं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले हफ्ते बजट सत्र के दौरान संसद में कहा था कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2019 की शुरुआत में 3.16 करोड़ से बढ़कर साल 2022 के मध्य में 10 करोड़ 45 लाख हो गई। 13वीं किश्त प्राप्त करने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपना खाता ईकेवाईसी अपडेट करना जरूरी है। जिन किसानों के ईकेवाईसी नहीं हुई है उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। पिछली बार सरकार ने ऐसे किसानों की छटनी कर दी थी। सूची में कैसे चेक करें अपना नाम? सबसे पहले आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट पर जाएं। यहां भारत के मानचित्र के ऊपर पीले रंग के टैब डैशबोर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, इसमें अपने राज्य, जिला, उप जिला और गाँव का चयन करें। शो बटन पर क्लिक करें। किश्त जमा हुई या नहीं ये कैसे चेक करें? पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, दाएं कोने पर लाभार्थी स्थित टैब पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करें। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में राशि जमा हुई है या नहीं। कब कब आती है किसान सम्मान निधि की किश्त? बता दें कि केंद्र सरकार हर साल 2000 रुपए की 3 किश्त जारी करती है ताकि किसानों को सालाना 6000 रुपए की राशि मिल सके। ऐसे में इस साल की तीसरी और पीएम किसान योजना में अभी तक की 13वीं किश्त की आना बाकी है। एक किश्त में किसानों के खाते में 2000 रुपए जमा किए जाते हैं। 2014 में पीएम मोदी सरकार बनने के बाद इस योजना को लागू किया गया था ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। तो ये थी किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।